पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार कार्तिक मेला 17 दिसंबर तक ही लगाया जाना है, मगर अभी तक कार्तिक मेला विधिवत रूप से शुरू भी नहीं हो पाया है और मेले के व्यापारियों के अनुसार मेले की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे कार्तिक पूर्णिमा से लगने वाला पारंपरिक कार्तिक मेला रविवार से शुरू हो गया है और इस बार करीब 17 दिन की देरी से मेला प्रारंभ हुआ है और व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम में इस बार मेले की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए और मेले में खान पान और जरूरत के सामान श्रृंगार की 700 से अधिक दुकानें हैं और 21 झूले भी हैं। हालांकि फिलहाल ग्राहकी भी कम है। व्यापारियों ने इसका कारण झूले और दुकान लगाने के लिए जगह का आवंटन देरी से होना बताया है और 2 दिन शहर का मौसम भी खराब रहा। साथ ही इनका कहना है कि निगम प्रशासन को मेले की अवधि बढ़ाना चाहिए और पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार मेला 17 दिसंबर तक ही लगाया जाना है, लेकिन अवधि बढ़ाने के लिए अभी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। मेले में हर साल जो सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रस्तुतियां व खेल प्रतियोगिताएं होती है वो भी नहीं हुई है। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में मेले में अच्छी ग्राहकी होगी और वही निगम को इस मेले की दुकान आवंटन से 21 लाख रुपए की कमाई हुई है और मेला लगाने से निगम को 21 लाख रुपए की आय मेले में दुकान व झूलों के लिए स्थल आवंटन से हुई है। साथ ही दुकान का आवंटन 1250 से 1500 रुपए में मेला अवधि के लिए किया गया है। प्राप्त आय में 60,000 रुपए का मेले का बीमा भी करवाया है।